लंबे समय से फुटेरा तालाब में जलकुंभी पसरी हुई थी। यहाँ गंदगी का आलम था, जिसको लेकर के लगातार मीडिया में खबरें सामने आ रही थी। फिर भी नगर पालिका के द्वारा किसी भी तरह का कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा था। इसी के चलते रैकवार समाज के प्रबुद्ध जनों के द्वारा, रैकवार समाज के लोगों के द्वारा, जो निश्चित ही इस तालाब की साफ़ सफाई में पारंगत भी हैं और उनको पता है कि किस तरह से यह साफ़ सफाई की जा सकती है, उनके द्वारा सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर एकत्रित होकर के इस तालाब की साफ़ सफाई का कार्य शुरू किया गया। नवरात्र पर्व के चलते इस कार्य का बीड़ा समाज के द्वारा उठाया गया और उसके बाद नगर पालिका के द्वारा उनको प्रोत्साहित भी किए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन फिलहाल यह लोग लगातार यहाँ पर साफ़ सफाई करने में जुटे हुए हैं। ये चूही लगी हुई, इसको हटाया जाए, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था जी। क्या आप लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आए हैं और ये तालाब की साफ सफाई कर रहे हैं क्या? जी क्या नगर पालिका ने पहले जो यहाँ के स्थानीय लोग उनसे काम नहीं करवाया है, और भाई जो एक जानते नहीं है जो लोगों से काम किया है, बाकी का नगर पालिका का सहयोग है, बाकी के फिर समाज ने एक बीड़ा उठा के फुटेरा तालाब नवरात्रि के कारण बीड़ा उठा के फुटेरा तालाब को साफ कराने का काम किया है। किस तरह से आपने सबको प्रेरित किया है? और वो तो एक समाज एक उम्र थोड़ी बात मानती है, तो उसके कारण सबके लिए इकट्ठा किया है। कुछ लोग उपासे भी हैं तो भी काम करने आए, ऐसा नहीं है कि व्रत हैं तो काम न करें, व्रत करवे वाले भी काम पे आए। कितने एकड़ में तालाब फैला और लगभग कितनी चोरी? जे करीबन 40 से 45 एकड़ में कचड़ा है। कैसे साफ करेंगे? वो तो अब हो जाएगा, अभी तो काम चलाने के लिए नवरात्रि के लिए इतनी सफाई जरूर करा लेंगे कि भाई काम चल जाए। क्या नाम लिखते हैं? कलू रैकवार। नगर पालिका ने जो आदमों से निकलवा हुआ कचड़ा, वे तो पुट्टा निकाल के नहीं जानते जी। कचड़ा पानी में पड़ते ही नहीं है, सूखे में से जो सब मछली मारवे वाले हैं, सब मछुआरे हैं जी, जे तो लोड लोड कर पूरा कचड़ा ले आए हैं।
इनको नगर पालिका कुछ मजदूरी दे वे रेगुलर में लगा ले मास्टर पे 10-20 आदमी तो हमारा पूरा साफ करा रहे 12 महीने दे देंगे। क्या मानते हैं कि इस तालाब की कैसे सफाई होनी चाहिए? सफाई तो यही दोबारा होगा एक बार समाज की से जो मछुआरे हैं वे कर सकते हैं। नगर पालिका चाहे अगर नगर पालिका चाहे तो मछुआरों हम लगा ले काम में 10-20 आदमी हूँ रेगुलर में मास्टर पे लगा ले। तालाब गंदा नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल गंदा। एक काम और है कि इस तालाब में टैंकों को पानी आते इसलिए ज़्यादा बढ़ रही है, पूरा उधर से नाला में आ रहा है टैंकों को पानी। क्या नाम है आपको? गुड्डन रेखवार।